नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका डिस्काउंट कोड मैं आप लोगों को बता देता हूँ ए एल वन जीरो आठ महीने तक आप सारे कोर्सेज देख सकते हो इसमें मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश के चलिए पहला क्वेश्चन तीन मिनट का समय जल्दी बनाइए आज थोड़ा लेट हो गया तीन पजल बनाने जल्दी जल्दी करो डेली बारह बजे क्लास होगी दोस्तों बारह बजे क्लास में आ जाया करिए डेली के डेली कभी डीआई बनाएंगे कभी रीजनिंग करेंगे प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है मेंस की तैयारी के लिए शाम को क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक मतलब चार पांच दिनों के बाद करूंगा स्टार्ट चलिए काफी लोगों का सॉल्व हो गया है डन के मैसेज आने स्टार्ट हो चुके हैं बनाते हैं इसको देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है यहां पर ध्यान दीजिएगा टेन परसेंट लिव इन अ बिल्डिंग ऑफ फाइव फ्लोर सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर ईच ऑफ द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ टू फ्लैट फ्लैट वन फ्लैट टू फलाना 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 यहां तक देख लो ठीक है चलो अब क्या करना है दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनिएगा फ्लैट वन विच इज इन दी वेस्ट ऑफ बस आपको इसको पढ़ना है बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है पांच फ्लोर बोला है, बना लेते हैं पांच चार तीन दो एक तो यहां पर फ्लैट वन है ये फ्लैट टू है अब क्या बोल रहे एस लिव्स वेस्ट ऑफ एन एस जो है वो वेस्ट में रहता है एन से आगे बोल रहा है पी लिव्स अब आर पी जो है वो आर के ऊपर रहता है ओ लिव्स इन एन ऑड नंबर फ्लैट

के लिव्स ऑन फ्लोर नंबर के फ्लोर पर के रहता है मतलब यहां पर या फिर यहां पर टॉप पे नहीं हो सकता टॉप पे क्यों नहीं हो सकता क्योंकि बिलो क्या बोला है बट बिलो एम एम के नीचे ही के होना चाहिए तो अगर टॉप पे रख दोगे तो उसके ऊपर एम रखने की कोई जगह नहीं बचेगी अब क्या बोल रहा है आगे देखो के एंड टी लिव्स ऑन डिफरेंट नंबर्ड फ्लैट के और टी दोनों अलग अलग फ्लैट में रहते हैं तो ऐसा बोल सकते हैं के और टी अलग अलग फ्लैट में एक इधर है तो एक इधर है के इधर वाले में भी हो सकता है टी इधर वाले में भी हो सकता है आगे बोल रहा है थ्री देयर आर थ्री फ्लोर इन बिटवीन फ्लोर ऑफ एल एंड एम एल और एम के बीच में तीन फ्लोर हैं तो दोस्तों जब आपको पता है कि एम के नीचे के होना चाहिए तो बॉटम वाले पे तो एम को रख नहीं सकते मतलब जाहिर सी बात है टॉप पे ही रखना पड़ेगा ठीक है तो जाहिर सी बात है टॉप पे ही एम को रखना पड़ेगा एल को यहीं पर रखना पड़ेगा कंफर्म है ये चीज अब देखिए क्या बोल रहा है ओनली टू फ्लोर आर इन बिटवीन द फ्लोर ऑफ एम एंड टी बोल बोरे दो फ्लोर है एम और टी के बीच में तो एम से दो छोड़कर टी यहां पर आएगा कन्फर्म हो गया आगे बोल रहा है एम लिवस नॉर्थ वेस्ट ऑफ टी नॉर्थ वेस्ट मतलब दोस्तों ये देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट तो नॉर्थ वेस्ट मतलब इस तरफ तो so आपको क्या बोला है एम लिवस नॉर्थ वेस्ट ऑफ टी अगर टी से नॉर्थ वेस्ट मतलब इस तरफ ऐसे रहता है तो टी यहां पर आएगा और इस तरफ यहां पर एम आ जाएगा ठीक है उम्मीद करता हूं यह चीज समझ में आ गई होगी अब दोस्तों आपको एक चीज पता है कि एल जो है वो यहां पर इस वाले में आने वाला है और एल के लेफ्ट में ओ है तो कंफर्म हो गया एल यहां पर और क्यू यहां पर ये यह देखो एल के लेफ्ट में क्यू कन्फर्म हो गया एकदम आपको पता है के और टी दोनों अलग अलग जगहों पर रहते हैं मतलब अलग अलग फ्लैट्स में रहते हैं तो अगर टी इस वाले में हो गया तो के इस वाली लाइन पे आएगा अब इस वाली लाइन पे के को रखने के लिए दो जगह थी एक ये एक ये यहां पर तो क्यू आ चुका है तो के सिर्फ यहीं पर आ सकता है और कहीं नहीं आएगा आपको पता है एन के लेफ्ट में ऐसे रखना है मतलब दोनों स्पेसेस खाली चाहिए यहां पर नहीं है यहां नहीं है यहां नहीं है यहां नहीं है सिर्फ यही जगह खाली दिख रही है मतलब एन के लेफ्ट में एस यहां पर हो गया आर के ऊपर पी होना चाहिए ठीक है और क्या बचा है इसके अलावा ये देखो ओ जो है वो यहां पर अब नहीं आ सकता तो ओ के लिए सिर्फ यही जगह बचती है ये देखो ओ अब देखो आर के ऊपर पी रखना है आर के ऊपर पी क्वेश्चन सॉल्व एक बार चेक कर लीजिए सभी का सही है कि नहीं जल्दी से चेक करो एम पी एस एन के आर एम पी एस एन के आर ओ टी क्यू एल ओ टी क्यू एल ठीक है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए तीन मिनट का समय प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट कोई डिफरेंस नहीं होता बस जिसमें बैठाना होता है लोगों को कि आठ लोग सर्कल पे बैठे हैं सर्कुलर टेबल पर या रेक्टेंगुलर टेबल पर उसको सिटिंग अरेंजमेंट बोल देते हैं और अगर आपको कुछ चीजें दे दी गई है जिनको अरेंज करना है इधर उधर तो उसको पजल बोल देते हैं बस और कोई फर्क नहीं होता तो इसलिए इस इसके पीछे आप मत भागिए कि कितने पजल आते हैं कितने सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं दोनों ही चीजें एक होती हैं तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है

ऑफ प्यूमा ब्रांड तो बोल रहा है एस और प्यूमा ब्रांड के बीच में कितनी शर्ट है दो शर्ट है तो प्यूमा से दो छोड़कर एस लिख देते हैं उसके बाद आपको क्या बोल रहा है एंड शर्ट एस इज द प्यूमा ब्रांड शर्ट तो प्यूमा के ऊपर की तरफ एस है मतलब कि एक दो छोड़कर यहां पर एस हो जाएगा ठीक उसके बाद क्या बोला है शर्ट विच इज ऑफ पेपे ब्रांड पेपे ही बोलते हैं ना क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं इज एस एस बट नॉट इमीडिएटली ठीक है तो क्या बोल रहा है यहां पर शर्ट विच इज ऑफ पेपे ब्रांड इज एब एस एस के ऊपर होगा बट नॉट इमीडिएट अबाउ अगर एस के ऊपर है पर इमीडिएट नहीं मतलब यहां एक छोड़कर यहां पर हो जाएगा ठीक है और क्या बोल रहा है आगे देखो यहां पर ओनली थ्री शर्ट आर बिटवीन आर एंड द शर्ट विच इज ऑफ पेपे ब्रांड तो पेपे से एक दो तीन छोड़कर आर यहां पर आ जाएगा एक दो तीन चार पांच छह सात हलवा क्वेश्चन है यार ये तो अब क्या बोल रहे हैं द शर्ट विच इज ऑफ वेन यूज एंड ब्रांड इज इमीडिएटली अबाव आर आर के जस्ट ऊपर वैन ह्यूजन है यहां पर आ जाएगा वैन ह्यूजन ठीक है और क्या बोला है आपको द शर्ट विच इज ऑफ मुफ्ती ब्रांड इज इमीडिएटली अबाउट द शर्ट वी वी के जस्ट ऊपर मुफ्ती आना चाहिए आगे क्या बोल रहा है ओनली वन शर्ट इज देयर बिटवीन क्यू एंड टी क्यू और टी के बीच में एक शर्ट है और क्या है ओनली वन शर्ट इज देयर बिटवीन क्यू एंड टी शर्ट क्यू इज अबाउट टी क्यू जो है वो टी के ऊपर है मतलब ऐसा बनेगा नीदर शर्ट क्यू नॉर पी इज ऑफ किलर ब्रांड तो क्यू और टी ये दोनों के दोनों शर्ट क्यू इज अबाउट नीदर क्यू नॉर पी क्यू और पी की बात कर रहा है कि ये दोनों ही किलर ब्रांड के नहीं है पहली बार सुना मैंने नाम ऐसी भी शर्ट आते हैं क्या पी इज नॉट ऑफ लिवाइस पी जो है वो लिवाइस नहीं है हल्वा क्वेश्चन है एकदम यहाँ एकदम ज्यादा अब इसको ना दोस्तों थोड़ा सा प्रॉपर वे में मैं अरेंज कर देता हूँ ठीक है ये जो नाम है ना एस आर और पी एस आर पी एक एक छोड़ के मैं लिख देता हूँ इधर अलग से चलो इसको देखो अब यहां पर क्या करना है दोस्तों आपको पता है वी के ऊपर मुफ्ती रखना है तो भाई वी यहां पर तो रख नहीं सकते क्योंकि यहां मुफ्ती नहीं आ पाएगा ये दोनों ही नहीं रख सकते जगह ही नहीं है यहां वी रखोगे तो मुफ्ती हो जाएगा वी रखोगे तो मुफ्ती हो जाएगा वी रखोगे तो मुफ्ती नहीं आ पाएगा मतलब हमारे पास दो जगह बचती है वी को यहां पर रख सकते हो या फिर वी को यहां पर रख सकते हो ठीक है अब इसके अलावा देखो दोस्तों क्यू जो है वो टी से ऊपर की तरफ है अगर मैं टी को यहां रखूंगा क्यू यहां हो जाएगा पर गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि अगर टी और क्यू दोनों को रख दोगे तो वी कहां जाएगा फिर वी के लिए जगह नहीं बचेगी ठीक है तो डेफिनेटली आप यहीं पर रखोगे भाई टी को और क्यू को और कोई भी जगह नहीं आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो टी को यहीं रखना पड़ेगा क्यू को यहीं रखना पड़ेगा तो वी यहां पर सेट हो गया जो बचा उसको यहां रख दो क्या बचा भाई जल्दी से नाम बताओ पी क्यू आर एस टी यू पी क्यू आर एस टी यू बचा था यू को रख देते हैं यहां पर अब देखो क्या बच गया दोस्तों हमारे पास हमारे पास बचा है वी के ऊपर मुफ्ती होना चाहिए तो ये देखो वी के ऊपर यहां पर मुफ्ती हो जाएगा Q और किलर ब्रांड के नहीं है मतलब पी में किलर यहां पर किलर नहीं आ सकता तो सिर्फ एक ही जगह बच रही है किलर के लिए P अगर लिवाइस नहीं है तो यहां पर लिवाइस आ जाएगा अब जो एक ब्रांड बच गया कौन सा ब्रांड बचा है पार्की ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हलवा था यार ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिखेगा तो थ्री मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा तीन मार्क्स मैक्सिमम इससे ज्यादा का नहीं आएगा चेक कर लेते हैं क्यू एस टी आर वी पी यू क्यू एस टी आर ठीक है सही है नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए तीन मिनट का समय है दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का फटाफट बनाइए एस बी आई पी ओ कब तक आ सकता है आ चुका है एस बी आई पी ओ का नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर्म फिल कर दीजिए <laughs>

तो क्या बोल रहा है एल सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ पी एल जो है वो फोर्थ टू लेफ्ट में बैठा है पी से आगे बोल रहा है पी पी हु फेसेस नॉर्थ नॉर्थ जो कि की, की तरफ फेस करता है आर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी आर जो है वो पी के इमीडिएट राइट right में है मतलब यहां पर होगा टू पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस आर और एस के बीच में दो पर्सन बैठे हैं टू पर्सन यहां हो गया था यू सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एस यू जो है वो थर्ड टू राइट में है एस से आगे बोल रहा है एस डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ पी एस जो है वो पी के राइट right साइड में नहीं है मतलब हम बोल सकते हैं कि पी के लेफ्ट में ही होगा एस टू पर्सन सिट बिटवीन यू एंड एन यू और एन के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं आगे बोल रहा है आपको ओ सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एन ओ जो है वो एन के सेकेंड टू लेफ्ट में है टी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ टी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है ओ से Q sits fourth to right of T. Q जो है वो fourth to right में है T से M faces north. M जो है वो north face कर रहा है L and Q faces same direction as T. L और Q same direction face करते हैं T के जैसे उसके बाद क्या बोल रहा है U faces opposite direction of M. U और M opposite face करते हैं पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेसेस सेम डायरेक्शन एंड्स वाले सेम डायरेक्शन फेस करेंगे ये सब आप लोग मत करना ठीक है एग्जाम में तो खास कर नहीं कहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ इसकी जरूरत नहीं है ये ये जो इस टाइप के पजल होते हैं ना इस टाइप के जो सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं ये सब डॉट मेथड से बनते हैं ये सब ऐसे बनाने की जरूरत नहीं ये बनाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे इसको हटा दो इसको हम बनाएंगे डॉट मेथड से सबसे पहले ये वाली कंडीशन को लेंगे क्योंकि सबसे बड़ी कंडीशन यही दिख रही है हमको तो यहां पर लिख लेते हैं एल दो छोड़कर तीन छोड़कर पी और फिर आर पी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा अब दोस्तों आपको इस वाली कंडीशन के बाद आपको क्या पता है आपको यह पता है कि P के लेफ्ट की तरफ में S होना चाहिए P से लेफ्ट की तरफ में S होना चाहिए ठीक है और R से दो छोड़कर S होना चाहिए तो R से दो छोड़कर S को यहीं पर लेना पड़ेगा क्योंकि P के लेफ्ट तरफ में चाहिए था यह कंडीशन हो गई अब देखो S से राइट साइड में दो छोड़कर U लेना है अगर मैं S का डायरेक्शन ऊपर देता हूं तो दो परसेंट छोड़कर यहां पर तो R है यू तो हो नहीं पाएगा तो एस का डायरेक्शन नीचे की तरफ कर दो राइट में एक दो छोड़कर यहां पर हो गया यू ये कंडीशन हो गई अब देखो यू से दो छोड़कर अगर आपको एन लेना है तो यू से दो छोड़कर यहां तो एस है तो यू से दो छोड़कर यहां पर आप एन को ले लो ये कंडीशन हो गई इसके अलावा देखो दोस्तों एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस पूरे हो गए खत्म अब देखो यहां पर क्या है ओ के इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठा हुआ है तो के लेफ्ट में टी मतलब दो स्पेसेस खाली चाहिए इस तरफ बना दिया ऐसा तो टी यहां लूंगा ना तो तीन छोड़कर क्यों नहीं रख पाऊंगा ये देखो पॉसिबल नहीं है इसीलिए क्या करेंगे ओ को यहीं पर लेंगे टी को यहीं पर लेंगे ओ का डायरेक्शन ऊपर की तरफ देंगे क्योंकि o के लेफ्ट में टी है ना ये देखो o के लेफ्ट में टी है

यू और एम ऑपोजिट फेस कर रहे हैं तो यू अगर एम ऊपर देख रहा है तो यू नीचे की तरफ देखेगा एल क्यू और टी तीनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो टी अगर ऊपर फेस कर रहा है तो एल एल और क्यू भी ऊपर की तरफ ही फेस करेंगे क्योंकि सेम सेम फेस कर रहे हैं ये लोग ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है तो ये तीसरा पजल था आज की क्लास का आखिरी पजल था इसी के साथ आज की सभा समाप्त की जाएगी तो आंसर यहां पर चेक कर लीजिए एन टी ओ यू एल एन टी ओ यू एल क्यू एस एम पी आर क्यू एस एम पी आर हमेशा याद रखिएगा डॉट मेथड का यूज कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे दस लोग पहले से ही बना लोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे बहुत कंफ्यूजन होगा ठीक है चलिए खत्म करते हैं थैंक यू ऑल द बेस्ट पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए और अगर ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो डिस्काउंट कोड है ए एल वन जीरो ए एल वन जीरो इस कोड का इस्तेमाल करके आप टेन परसेंट का डिस्काउंट ले सकते हैं ठीक है इसमें आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आठ महीनों तक सारे कोर्सेस अभी एस बी का कोर्स स्टार्ट हो चुका है मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश सभी की क्लासेस होती हैं ठीक है थीके? और इसके अलावा दोस्तों अभी कुछ समय में आईवीपीएस क्लर्क का भी कोर्स आ जाएगा आईवीपीएस पी आएगा तो उसका भी कोर्स आ जाएगा तो वो सारे कोर्सेस आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे आपको अलग अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए खत्म करते हैं थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम का भी मैं लिंक बता देता हूँ एट द रेट बैंकिंग क्रॉनिकल वाई टी बैंकिंग क्रॉनिकल वाई टी तो ये है टेलीग्राम का लिंक कैसे ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे किसी भी अपने दोस्त को एट द रेट बैंकिंग क्रॉनिकल वाई टी लिख के सेंड करो लिंक बन जाएगा वो उस पर क्लिक कर देना ज्वाइन कर पाओगे ठीक है चलिए खत्म करते हैं